ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਆ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਨਾ ਜਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ 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 ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲਈ ਚੱਲ चल 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 हमेशा के लिए शैतान चल छड़ दे छड़ दे छड़ दे चल हमेशा के लिए आओ इस ब्रदर जी का नाम जसवंत सिंह है और जे मुदल गांव के रहने वाले हैं और इस ब्रदर जी की गवाही जे बता रहे कि जब इनके 15 साल थी और उस समय से इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दुष्ट आत्मा का अटैक होता था और आज इनकी एज 30 साल होगी और 15 साल होगी कि इनको दुष्ट आत्मा नेगेटिव पावर का प्रभाव था जे बता रहे कि जब जे रात के टाइम सोते थे तो दुष्ट आत्मा नेगेटिव प्रभाव इन्हें दबा लेता था और जे बता रहे कि जिसके कारण जे बहुत ही डर जाते थे और इसके कारण इनको बहुत ज़्यादा बुरे बुरे सपने भी आते थे और जे बता रहे कि जे बहुत ज़्यादा डर जाते थे और कभी जब जे सुबह के टाइम भी सोते थे उस समय भी नेगेटिव प्रभाव के कारण इनको दबाव पड़ जाते थे और पूरी तरह से दुष्ट आत्मा इनको दबा लेता था और जे बता रहे कि इनको कोई समझ नहीं आती थी और जिसके कारण जे बहुत ही परेशान थे और प्लस इनकी एक और भी प्रॉब्लम थी जे बता रहे कि जब इनकी एज बहुत ही छोटी थी उस समय जे इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था जैसे कि जे ड्रिंक का नशा सिगरेट तम्बाकू का नशा करते थे और जे बता रहे कि जब भी जे खाना खाते चाय पीते किसी भी टाइम तो जे उसी के बाद इनका मन करता था कि जे सिगरेट पिए जब भी चाय पीते उसके बाद भी जे सिगरेट पीना शुरू कर देते जब भी खाना खाते उसके बाद भी जे सिगरेट पीना शुरू करते और इसके लिए भी इन्होंने जे बता रहे कि छोड़ने की बहुत कोशिश की पर इससे भी जे फ्री नहीं हो पाए और जे ब्रदर जी बता रहे कि जिसके कारण जे बहुत ही परेशान थे और जैसे कि जे 2 महीने हो गए थे जे अदर चर्च जा रहे थे और जो कि जे दुष्ट आत्मा से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और जे बता रहे कि इसके लिए इनके लिए काफ़ी बार ले हैंड भी हुई पर जे बता रहे कि फिर भी जे दुष्ट आत्मा से इनको छुटकारा नहीं मिला और जे बता रहे कि इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि किसी भी टाइम इसका अटैक इनको हो जाता था और जे बता रहे कि जब भी जे चर्च तो जा रहे थे इनको वचन की भी समझ नहीं आती थी और जिसके कारण जे बहुत परेशान थे और जैसे ही इनको किसी ने प्रभु की गुड न्यूज़ दी और जे जब फर्स्ट टाइम 27 अक्टूबर को यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए और जे बता रहे कि जब इन्होंने फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया और क्योंकि जे विश्वास तो करे थे पर इनको समझ नहीं थी और जैसे इन्होंने उस दिन मीटिंग को अटेंड किया इनको और भी परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताया गया और जो इस मिनिस्ट्री की टीचिंग है पॉजिटिव प्रेयर पॉजिटिव प्रार्थना के बारे में इनको और भी उत्साहित किया गया बताया गया तो जे बता रहे कि जब इन्होंने फर्स्ट मीटिंग अटेंड की और उस दिन जब जे अपने घर गए तो जे बता रहे कि उस दिन से जो जे सिगरेट बहुत ज़्यादा खाने के बाद जब चाय के बाद पीते थे जे बता रहे कि सिगरेट का जो थे परमेश्वर ने उस दिन से इनको फ्री कर दिया और आज तक इन्होंने कोई भी नशा नहीं किया ना सिगरेट का ना तम्बाकू का अभी उससे परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया था पर जो दुष्ट आत्मा नेगेटिव प्रभाव का जो प्रभाव था वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा था और जे बता रहे कि जी फिर लगातार क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया तो इन्होंने और भी अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाया फिर जे लगातार ही हर संडे हर थर्सडे के मीटिंग में आते रहे और हर एक वचन को इन्होंने सुनना शुरू किया पॉजिटिव प्रेयर करनी शुरू की और जे बता रहे कि इन्होंने काफ़ी बार इन्होंने पर्सनल मीटिंग भी इन्होंने अटेंड की और जब भी पर्सनल मीटिंग होती थी और जे ब्रदर जी मीटिंग में आते थे और जे बता रहे कि जैसे इन्होंने 23 नवंबर की पर्सनल मीटिंग में आए और जैसे ही प्रभु के दास ने के साथ इन्होंने मीटिंग की और इनको उत्साहित कर रहे थे और इन पर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया और सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਆ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਨਾ
यीशु मसीह। हाँ, फिर तू उसके पैरों के थले है ना? हाँ। तो मेरे भी की है? तेरे भी है। चल फिर उस अधिकार दे नाल इस बच्चे दे शरीर नु छट गंदी आत्मा निकल निकल हमेशा के लिए चल 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 हमेशा के लिए शैतान चल छड़ दे चल हमेशा के लिए आओ नहीं छड़ना तेरा बाप भी छड़ेगा तू नहीं छड़ना तू कौन छड़ना भाई ए दादे परदादे मेरी पूजा करते रहे हां ए दादे परदादे मेरी पूजा करते रहे इते दादे परदादे पूजा करते रहे तेनू पता नहीं होने कितने विश्वास करता ए यीशु मसीह ते कांडा पे आना तो फिर तू यीशु मसीह दे नाम दी आज्ञा नु तोड़ रहे है तेनू ओदी सजा दा नहीं पता पता मेनू नहीं छड़दा नहीं छड़दा मार देंदा चल फिर हुण मैं चल मैं आज्ञा करदा यीशु दे नाम निकल दे शरीर चो निकल चल पूरी तरह चल आज चल हमेशा के लिए आओ 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 चल आउट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री बोलो परमिशन तो जैसे ही इनके लिए लैंड हुई और जो दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने तो इनको फ्री कर दिया था पर जैसे प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई पर ये बता रहे कि इनका जो विश्वास था वो बन नहीं रहा था क्योंकि इनके सोच में अभी था कि जो इनको बुरे सपने आ रहे हैं जहाँ मुझे दुष्ट आत्मा दबा लेता हुआ और जैसे इनको और भी उत्साहित किया गया कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर चुके जो आपके लिए प्रेयर हुई है परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दिया है और जैसे ही जो लगातार उन वचनों को लेकर प्रार्थना करते रहे धन्यवाद देते रहे और जो ब्रदर जी बता रहे कि आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दिया है इनको छुटकारा मिल गया है नहीं तो जो रात के समय बहुत ही परेशान रहते थे और आज परमेश्वर ने इनको जो बहुत ही छोटी एज में जो बहुत ज़्यादा नशा करते थे सिगरेट का ड्रिंक का तंबाकू का इससे भी परमेश्वर ने आज इनको आज़ाद कर दिया है और पूरी तरह से आज इनको दुष्ट आत्मा से भी परमेश्वर ने फ्री कर दिया है और इस बड़ी गवाही के लिए हम सब जोर से तारीफ करेंगे इग्लेसिया बचना ते चल के तेरे का सही बचना ते चल के तेरे का सही बचा देगा तेनू यहोवा यरी छुड़ा देगा तेनू यहोवा यरी आमेन हालेलुया बचाएगा कि नहीं बचाएगा क्योंकि उसने अपना काम आज से 2000 साल पहले पूरा कर दिया बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा मेरे लोग ज्ञान न होने से क्या होते हैं नाश होती ये ऑलरेडी पहले किसी और जगह जा तो रहे थे बोलो क्या थे पर जिस नेगेटिविटी की उस इविल स्पिरिट का प्रभाव था इनके ऊपर वो खत्म नहीं हो रहा था ले हैंड हुई इनके लिए वचन की समझ नहीं आती थी क्या नहीं आती थी पहली बार आई एक ग्रेस भी है ना बाइबल में क्यों ऐसे लिख कर दिया जहां कहीं उसका आत्मा वहां पे क्या है बोलो तो पहली बार जब आए कितने सालों की ये आदत थी इन्हें सिगरेट की कुछ भी खाते पीते थे तो उसके बाद ये सिगरेट पीते थे कितने साल जी बता रहे कि काफी बचपन में काफी छोटे उम्र थी बताओ आप सिगरेट की आदत जयमसी जी पापा जी जयमसी जी 2004 दी थी 2004 से हाँ जी आप ये सिगरेट पीते आज 2022 है उसका एंड है हाँ 2004 और 22 कितने साल हो गए 18 साल से समझ आ रही ना ये इन्हें आदत थी नशे की बोलो क्या थी और कुछ भी खाते पीते थे तो क्या करते थे
पर जैसे ही ये पहली मीटिंग कितनी 27 अक्टूबर में आए और फिर आप जब यहां से 27 अक्टूबर की मीटिंग अटेंड करके आपने कोई सिगरेट नहीं पी उस दिन? सिर्फ 10 दिन पी, फिर बाद नहीं, बाद में नहीं पी, नहीं। हाँ ओ, देखो समझ आ रही ना, क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि खुदावन की एक सच्चाई को यहां पे हम जैसे पूर्ण रीति से हर एक को समझाते हैं, इन्होंने फिर वैसे समझा। क्या समझा इन्होंने? फिर वैसे समझा। आज कितने सालों का नशा छूटा, 15 साल से जो नेगेटिविटी की उस इवल स्प्रिट का इनके ऊपर प्रभाव था वो कैसे गया? एक तो लगातार ये हर संडे वीरवार की मीटिंग में भी आप आते हैं, रोज आते हैं, हर संडे और वीरवार में आते हैं, लगातार आते हैं। यीशु मसीह ने एक लुका 18 में एक दृष्टांत बताया था। आप चाहते हो परमेश्वर से जल्दी काम कराना तो उस दृष्टांत का मतलब समझना। इस बंदे ने, इस भाई साहब ने उसी रीति से उस लुका 18 के दृष्टांत के वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर को दिया। हर संडे और वीरवार आए, प्लस जब प्रॉब्लम थी, जब मुश्किल में थे, तो हर मंडे की जो पर्सनल मीटिंग होती है ये उसमें भी आते रहे। क्या आते रहे? उसमें आते रहे और सुनते रहे, समझते रहे परमेश्वर का राज्य क्या है, कैसे चंगा करता है, कैसे हील करता है, कैसे ब्लेस करता है। कितनों को समझ आ रही है? और इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, क्या दिया, और अपने उस काम को पूरा किया जिसके लिए खुदावंद ने इसे बुलाया, और ये लगातार बना रहा। और कितनी मंडे की कौन सी तारीख? 23 नवंबर की मीटिंग में फिर ये मंडे की पर्सनल मीटिंग में आई और ये कुछ अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है अभी प्रार्थना करते हैं। जैसे उस दिन प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा प्रकट होगी, हाँ क्या हो गई, और उस दिन से खुदावंद ने इसे उस दुष्ट आत्मा से भी क्या कर दिया, ये भाई बिल्कुल भला चंगा है, कोई दबाव नहीं पड़ते। ये दिन को भी इसे डर लगता, अगर दिन को भी सो गया तो दिन को भी इसे डर लगता था, दिन को भी शैतान इसके ऊपर दबाव डालता था, अटैक करता था, दिन के समय भी, रात के समय तो है ही है, दिन के समय भी इसके साथ होता। और ये बेचारा भाई साहब बहुत परेशान था इस चीज के लिए, समझ नहीं आ रही थी, पर परमेश्वर महान है। बोलो क्या है? हाँ ये खुश है, खुश आवाज, क्योंकि ये पूरी रीति से आजाद है, कोई दुष्ट आत्मा का कोई प्रभाव नहीं, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ बोलो क्या है? ये पूरी तरह आज फ्री है, फ्री है, खुदावंद ने इसे आजाद किया है। तारीफ करो फिर यहोवा तेरा नाम सब तो वाला है, यहोवा तेरा नाम